हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल GS एकेडमी पर। GS एकेडमी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी बीएड में जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आप लोग को टॉपिक वाइज सारे के सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे इस पर, तो इसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, इससे पहले भी GS के, हिंदी के सारे बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म ज़रूर भरते हैं, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है। लास्ट तक वेट ना करें, साइट क्रैश हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, फिर उसके बाद आपको लेट फीस भी देना पड़ सकती है, इसलिए आप पहले से पहले उसे कर दें। वहीं बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज देखेंगे इसी के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या रहता है आज का। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम ने कहा कि वह बाज़ार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, आपको बताना है इस वाक्य में वह क्या है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम। वह जो है वो सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम के अगर भेदों की बात करें तो देखिए, निजवाचक भेद होता है, प्रश्नवाचक भी भेद होता है, और आपका पुरुषवाचक भी भेद होता है। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, सब कुत्ते बोल रहा है, तो इसलिए कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो अनिश्चित संख्यात्मक हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आप लोग को बताना है कि आप कौन सा सर्वनाम है। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजवाचक। देखिए, मैं जो होता है वो निजवाचक में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य का विशेषण आपको बताना है। देखिए, आलसी नहीं होगा, आलस भी नहीं होगा, आलसीपन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, आलस्य का जो विशेषण होगा वो आलस हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? तो ये तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए, प्रश्नवाचक आप लोग आराम से बता सकते हैं कौन सा। प्रश्नवाचक की बात करें तो कौन, क्या, कैसे, ये सारे जो होते हैं प्रश्नवाचक में आ जाते हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए निजवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? एक सेकेंड, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा। कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसके सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि कौन कौन कह रहा है तो इसमें कोई निश्चित तो है नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 11 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसके सही आंसर की बात करें तो आप और मैं जो होता है वो निजवाचक में आ जाता है, तो इसके सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, बे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो बे होता है वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, जो सो किस प्रकार के सर्वनाम है। तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध बढ़ाते हैं, जैसे जो सोएगा वो खोएगा, इस प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 के सही आंसर की बात करें तो ये भी हमारा संबंधवाचक में आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है आप लोगों की ये। आपके लिए कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो आप लोग कमेंट लाइक शेयर तो करें, इससे उसको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है। इसके अगर सही आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के, तो जो मुझे होता है वो उत्तम पुरुष का रूप होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है, यह कौन सा सर्वनाम है। यह की बात करें तो ये जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए सर्वनाम के क्वेश्चन यहाँ तक ही थे, उसके बाद ये विशेषण के 2 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, मैंने सोचा 20 तो करने हैं तो 2 क्वेश्चन इसमें विशेषण के भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है, विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के भेदों की बात करें हम लोग, तो विशेषण के भेद होते हैं 3। तो ये तो थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, वैसे तो ये सर्वनाम से ही थे मगर 2 क्वेश्चन इसमें विशेषण के आ गए। विशेषण की जो होगी अगली वीडियो आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि जीके की रहेगी, कल आएगी वो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।